तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ एड्स दिखाए और इसमें एक दिखाया है वैक्यूम क्लीनर जो कि कार और घर के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना पावरफुल है ना पावरफुल। फ्रेंड्स मैं भी इसको बहुत ही पावरफुल समझता था और मैंने इसको ये सारे एड्स देख करके मंगा लिया। अब मैं उसकी रियलिटी जो है वो आज आपको बताने वाला हूं कि ये कितना इफेक्टिव है और जो चीज मैंने समझी थी वो मुझे मिली या नहीं मिली। बस आज का वीडियो हमारा इन्हीं सब टॉपिक्स पे है। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और इसकी वर्किंग बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मुझे इफेक्टिव लगा या नहीं लगा, ये काम की चीज है या नहीं है। बाकी तो आप वीडियो देख के खुद ही समझ जाएंगे फ्रेंड्स कि ये काम की चीज है या नहीं है। फ्रेंड्स मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है, 699 रुपीज का है, यानी कि 700 रुपीज का ओनली है, ठीक है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये अमेजोन का बॉक्स हटा देते हैं हम, ठीक है, और फ्रेंड्स इसको खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स में जब खोलते हैं हम तो एक हमें इस तरह की मशीन मिलती है, ठीक है, ओके। दूसरा हमें ये मिलता है इसका आगे का अटैचमेंट जिसमें डस्ट इकट्ठी होती है, इसे डस्ट कलेक्टर भी कह सकते हैं, ओके। एक ये अटैचमेंट है, बैटल अटैचमेंट की मदद से हम कोने कोने से डस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर डस्ट कहीं चिपकी हुई हो नहीं निकले तो आप इसको आगे ये अटैचमेंट लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और इस अटैचमेंट को लगाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ब्रश जो होता है कि वो उस डस्ट को ऐसे से करते हैं अपन, तो डस्ट हट जाती है और डस्ट अंदर सकोने लग जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसके एसेसरीज थी। और लास्ट फाइनली एक ये चीज और आई है जो कि यूएसबी केबल है सी टाइप की, जो कि किसी भी चार्जर में लगा के हम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैनुअल है इसका, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस ये इतना सा अटैचमेंट है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसके साथ में। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो लुक वाइज काफी अच्छा है, पोर्टेबल है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, दिखने में भी सेक्सी लुक है इसका, ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है काफी, दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ इसका रिव्यू, अब इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर की छोटी सी मोटर लगी हुई है जिसमें एक फैन लगा हुआ है जो कि इसको जो कि एयर को अंदर की तरफ सक करता है, तो यहाँ से वैक्यूम बनता है और वैक्यूम बन के सारा डस्ट अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें जब मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था तो मैंने इसमें पढ़ा था कि ये 2-in-1 है, बट फ्रेंड्स आपको 1 ही दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा है कि ये वैक्यूम क्लीनर है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि पीछे की साइड जब हम इसको चलाते हैं तो ये इधर देखिए एयर दे रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये एयर पीछे की साइड से दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही 2-in-1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल बेकार है, कुछ फायदा नहीं है इस एयर का, ठीक है, बट वैक्यूम का है। अगर मैं इसको 10 में से मार्क्स देना चाहूंगा तो सिर्फ 2 मार्क्स दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से पता लग रहा होगा फ्रेंड्स टोटली केवल लुक के लिए है और इसका साउंड सुनने के लिए है, ठीक है। वर्किंग इसकी बहुत अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, ये डस्ट अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं करता है, बस दिखावा है फ्रेंड्स, लेके आप लोग फंसाएंगे। देखो फ्रेंड्स इस वीडियो को सिर्फ मैंने आप लोगों की मदद के लिए बनाया है ताकि आप इन एड्स के चक्कर में फ्रेंड्स ना फंसे और इसको ना परचेस करें, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, आगे आप लोगों को कैसा लगता है, इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए ये आपकी मर्जी है, आप खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। बट मैंने वह बता दिया फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, लुक वाइज अच्छा है और फ्रेंड्स सिर्फ इसकी आवाज ही अच्छी, जैसे कि आपने एड्स में देखा होगा कई यूट्यूबर्स भी दिखा रहे हैं कि वाओ बस आप इसकी आवाज सुनिए, बस आप आवाज सुनते हैं और आपको लगता है कि ये काफी पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है और आप इसको तुरंत के तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं और मंगा लेते हैं। बट जब घर पे आता है फ्रेंड्स तो आपको पछताना पड़ता है कि ये मैंने बेकार में मंगा लिया और मेरे 700 रुपये खराब हो गए। इससे अच्छा फ्रेंड्स थोड़े से पैसे और मिला करके काफी अच्छे वैक्यूम क्लीनर्स मार्केट में हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उनको मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो इसमें ये झूठ लिखी हुई है कि 2-in-1 है ये, क्योंकि फ्रेंड्स केवल ये वैक्यूम क्लीनर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो यही झूठी है। दूसरी फ्रेंड्स आपको दिखाया होगा बहुत सारी डस्ट कलेक्ट कर लेता है, ये कर लेता है, कुछ भी नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे टेबल पे कि किस तरीके से डस्ट को कलेक्ट कर रहा है और किस तरीके से नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है रेडी है और अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कितना पावरफुल है, ठीक है। तो पहले तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि वो हाथ को ही पकड़ लेता था वैक्यूम क्लीनर, अभी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे हाथ में, ना तो उसको शक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए ये पेपर थोड़े बहुत पेपर के टुकड़े हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखिए,
अगर मैं इतनी सी भी इसमें डिस्टेंस रख रहा हूँ, देखिए बिल्कुल पास में ले आया फिर भी ये इसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ बिल्कुल पास में, तब जाके जा रहा है। आप फिर दोबारा उसे देखना है फ्रेंड्स एक बार, देखिए इतना नजदीक ले आने के बाद भी ये पेपर नहीं जाता है, तो आप समझ सकते होंगे इसका सक्शन कितना पावरफुल होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, ये देखिए देखिए कितनी जरा माइनर जगह बची फिर भी इसको ये अंदर नहीं ले रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको बिल्कुल टच कर देता हूँ तब जाकर के ये इसको लेता है, ओके। अब सब सोचिए कि इतना हल्का पेपर जब इसमें इतना हल्का जो पेपर है जब ये ही इसको नहीं सक कर पा रहा है, तो फिर आपकी और डस्ट को कैसे करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल और दिखाता हूँ, वो डस्ट से है या फिर नमकीन के या चावल के कुछ टुकड़े में लेके आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये शक करता है। तो फ्रेंड्स सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं चावल और डस्ट पे। तो ये चावल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये चावल को फेंकता है। देखिए एकदम पास ले जाएंगे तो वर्क करता है, बट इतना पावरफुल वर्क नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए ये चावल का टुकड़ा है, ये इतना दूर है फिर भी इसको दस खेच नहीं पा रहा है ना, बिल्कुल पास में ले आते हैं हम तब जा करके इसको खेचता है, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो इस तरीके से ये चावल को खेच रहा है। डस्ट का देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ये डस्ट है, और मैं इसको यहाँ इतना दूर करूंगा तो एक भी डस्ट का, कोई भी डस्ट का पार्टिकल हिल नहीं रहा है, ठीक है। देखिए हो रहा है कुछ, कुछ नहीं हो रहा, ओके। देखिए अब मैं जैसे ही बिल्कुल इसको टच करूंगा डस्ट के, तो ये खींचना शुरू कर देगा। देखिए ये देखिए बिल्कुल मैं इसको टच कर रहा हूं, इसमें अंदर घुसा रहा हूं, तब जाकर के ये इसको शक कर रहा है, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल पास में करने से शक करता है, दूर करने पे तो शक नहीं करता है, ठीक है। और ये स्मूथ जगह है इसलिए कर रहा है, बाकी कहीं डस्ट पार्टिकल कई बार क्या होते हैं फ्रेंड्स की चिपके हुए होते हैं, तो वो उसी सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं और इसको ये शक नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स अब इसका जो डस्ट इसमें कलेक्ट हुई है उसको बाहर किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको मार्किंग दिखी होगी, ओके। तो इसको इस तरीके से घुमा करके और इसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और ये इसमें एक फिल्टर लगा हुआ होता है जिसको पानी से हम धो भी सकते हैं, ये देखिए सारी डस्ट इसने इकट्ठी कर ली थी अपने पास में, ओके, ठीक है। और ये देखिए ये सारा कचरा इसमें हमने इकट्ठा कर लिया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये डस्ट को कलेक्ट कर लेता है इस डस्ट कलेक्टर में, और इस तरीके से ये जो फिल्टर होता है इसका, इसको हम निकाल करके बाहर पानी से वॉश कर सकते हैं, इसको पानी से इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से इसको इसमें लगा दिया जाता है, यहाँ पे आपको कॉलर बनी हुई दिख रही होगी, तो ये जो फिल्टर है इस कॉलर पे ही रहता है, ठीक है। जैसे मैंने लगा दिया है वापस से, आपको ये देखिए, ओके, ये इस तरीके से लग जाता है दोबारा से, और वापस इसमें ये जो स्लॉट्स दिए हुए हैं इनका ध्यान रखना पड़ता है, ये देखिए ये स्लॉट जो है, और यहाँ पे भी दिखाया गया है स्लॉट को, इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लॉट है, ठीक है, ये इसको इस तरीके से इसमें ले आना है, ओके, और उसके बाद में इस तरीके से इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आप इससे वर्क कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से ये वर्क करता है, बहुत ज्यादा पास ले जाएंगे तो काम करता है, दूर पर काम नहीं करता है। अब देख लेते हैं कार में किस तरीके से इससे क्लीनिंग होती है। तो आपको दिख रहा है नीचे जहाँ पर हम पैर रखते हैं कार में, वहाँ कितनी डस्ट जमी हुई है, लेकिन देखिए मैं इससे कोशिश कर रहा हूँ डस्ट को क्लीन करने की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत माइनर सा जो डस्ट है वो जा रहा है, बाकी सारा कचरा रह जा रहा है। चलिए और साइड में देख लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा ये सीट के साइड का हिस्सा है जहाँ पे मैं इससे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट कोई भी डस्ट वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसका सक्शन बहुत कम है इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कि यहाँ भी कोई खास क्लीनिंग नहीं हो रही है। चलो पीछे की तरफ देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये पीछे की शीट के नीचे का हिस्सा है, और मैं यहाँ भी इसको रगड़ रगड़ के कोशिश कर रहा हूँ कि क्लीन हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। गंदगी वैसी की वैसी जमी हुई है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कि जिस काम के लिए हम इसको लिया है हम लोगों ने, वो काम पूरा हमारा हो नहीं पा रहा है परफेक्टली। तो आपको दिख रहा होगा जो डस्ट अंदर जम गई है वो तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है, थोड़ी बहुत डस्ट है वो निकल जा रही है।
अब देखिए ये जहाँ पर हमारा गियर लगाने वाला लीवर होता है वहाँ के अंदर थोड़ी सी जस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये निकल जाए और देखिए निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं है और ये डस्ट चिपका हुआ भी नहीं है, ये डस्ट केवल वहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए पीछे का हिस्सा इसका, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इससे क्या लगता है आप लोगों को कि ये क्या क्लीन कर पाएगा? फ्रेंड्स नहीं कर पाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने शुरू में बताया था कि इसका जो चार्जर है सी टाइप का है और किसी भी चार्जर से कनेक्ट होकर के ये चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये चार्जिंग पोर्ट है, ओके। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब इसमें चार्जिंग के लिए हम लगाते हैं तो यहाँ पर रेड कलर की एक LED जलती है जिसे हमें पता लगता है कि चार्जिंग हो रही है, और जैसे ही वो ग्रीन होती है तो चार्जिंग पूरी हो जाती है, ठीक है, बैटरी फुल हो जाती है। बट फ्रेंड्स इसको फुल चार्ज करने के बाद भी बहुत ज़्यादा देर तक ये बैटरी काम नहीं करती है, जल्दी ही इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। और अगर हम चाहें कि इसमें हम पावर बैंक को लगा करके और इसको काम करें तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर बैंक पहले इसकी बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी फिर इसको चलाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स डायरेक्ट इसमें चार्जिंग लगाने पर अगर आप सोचें कि ये चल जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ये बैटरी से चलता है। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा और बैटरी को चार्ज करने के बाद ही हमारा ये काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को क्योंकि मैंने देखा कि जब ये आया था तो ये एकदम डाउन था, तो मैंने सोचा कि चलो चार्जिंग में लगा करके चला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको चार्जिंग में लगाया और लेकिन चार्जिंग में लगाने के बाद भी ये क्या चालू नहीं था। फिर मैंने पाँच मिनट के करीब मैंने इसका वेट किया कि चार्ज हो जाए। जब 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स उसके बाद ये चलने लगा था, इट मीन्स कि ये बैटरी से ही चलेगा, इसका कनेक्शन बैटरी से ही है, चार्जिंग से नहीं है। चार्जिंग सिर्फ बैटरी के लिए है, वो बैटरी को चार्ज करती है और फिर बैटरी इसको चलाती है। तो एक ये भी इसमें बहुत बड़ी कमी है फ्रेंड्स कि डायरेक्ट चार्जर से भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको कितना इफेक्टिव है फ्रेंड्स ये, ठीक है फ्रेंड्स। जब ज़्यादा डस्ट होगी फ्रेंड्स तो कलेक्ट कर लेगा, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे लैपटॉप में हुआ, कार में हुआ, थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी जम जाती है और उसे हमें साफ करना होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से आपका जो डस्ट है वो खींच नहीं पाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग खुद डिसाइड करें फ्रेंड्स कि इसको आप लोगों को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी रियलिटी बता दी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर 10 में से इसको मार्क्स देने होंगे मैं केवल 2 मार्क्स दूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। इसमें 2-in-1 वाला वर्क भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैक्यूम क्लीनर है जो कि बहुत ही कम काम कर पाता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ फ्रेंड्स और आप लोगों की मदद करता हूँ किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ताकि आप किसी गलत चीज़ को ना खरीदें। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी।